ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये कोई आम चेहरा नहीं बल्कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस का जवान है, जिसने पुलिस में भर्ती होते समय लोगों की सुरक्षा की कसम खाई थी। आपको बता दें कि सुरेंद्र नाम का ये व्यक्ति हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। फरीदाबाद के पल्ला इलाके की चौकी में इसकी तैनाती थी। इस पुलिसकर्मी पर एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि ये पिछले 3 साल से अपने पुलिसी रौब को दिखाकर बंदूक की नोक पर महिला के साथ लगातार रेप की वारदात को अंजाम दे रहा था। पीड़ित महिला कैंसर की मरीज है, लेकिन फिर भी ये आरोपी पुलिसकर्मी उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। पीड़िता के मुताबिक उसने अपने काम धंधे के चलते इस पुलिसकर्मी से कुछ पैसा ब्याज पर लिया था, जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी का इसके घर आना जाना शुरू हो गया और उसने इसका नाजायज फायदा उठाते हुए इसके साथ बंदूक की नोक पर रेप करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने महिला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। जी, वो आता था मेरे यहाँ, पहले पल्ला चौकी में पोस्टेड था, वो पल्ला चौकी में आता था, मेरी फैक्ट्री थी जींस की, उसमें से पैसे उगाही करने आता था। फिर आते जाते उसको ये पता चला कि इनके घर में कोई भी नहीं रहता, मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे बहुत साल से, फिर मेरी बेटा भी बेंगलोर रहता था, बेटी और मैं रहती थी, तो ये आना जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बहुत विश्वास में अच्छा रहा और उसके बाद फिर बदतमीजी करने लगा, जिस एक दो बार जबरदस्ती मतलब मेरे साथ गलत काम किया। फिर जब भी मैं उसको बोलती तो वो ये कहता कि मैं तुम्हारे लड़के को फंसा दूंगा, तुम्हारे उसके साथ ऐसा कर दूंगा। वहीं सारे मामले को लेकर जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ रेप सहित अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी पुलिसकर्मी की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी आखिर पुलिस आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पाई है। एक महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जो महिला थाने में दर्ज किया गया है और उसमें 376 धारा लगी हुई है और उसमें जाँच चल रही है, आरोपी को अभी पकड़ा नहीं जा सका है। ये सुरेंद्र बटाना था और ये पल्ला चौकी में तैनात था और इस पे इनका कुछ लेन देन का भी कुछ मामला आ रहा है सामने, जो एक और अन्य औरत के साथ था, तो इसमें पूरे मामले में कुछ शोषण का भी एंगल है, तो उन्होंने दरखास्त दी, उसमें फैक्ट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर